अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गेम ऑफ स्पाइसेस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम इमली की चटनी किस तरह से बना सकते हैं, इमली की मीठी चटनी किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पाव इमली ली हुई है जिसे पानी में भिगो के रख दिया था। इसके कुछ बीज मैंने निकाल दिए हैं और कुछ इसके अंदर हैं। स्ट्रेन नहीं करना है इसे, इस तरह से इसकी गुटलियाँ भी इसके साथ ही होंगी। इसके लिए मैंने चीनी ली हुई है जो कि 1.5 पाव है। हमें काला नमक चाहिए होगा, ज़ीरा पाउडर लिया हुआ है, पिसी हुई लाल मिर्च है और मेलन सीड चाहिए होंगे। ये बाकी दोनों चीज़ें बस ऐसे ही सजावट के लिए रखी हुई हैं। और इसका जो बनाने का तरीका है वो हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इमली की मीठी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने और इसके अंदर इमली का गूदा डाल देंगे। इसी के अंदर चीनी जाएगी, 1.5 पाव चीनी है। साथ ही काला नमक 1.5 टीस्पून है। बाद में चेक कर सकते हैं, ज़्यादा हो तो कम नहीं हो सकता, कम हो तो और डाल सकते हैं। लाल मिर्च कुटी हुई डालनी थी, मेरी पेंट्री में ख़त्म हो गई है और ग्रॉसरी लिस्ट में चली गई है। कुटी हुई लाल मिर्च डालनी और ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। और कुछ नहीं करना, बस इन चीज़ों को पका लेना है। चीनी इसके अंदर से डिज़ोल्व हो गई है, अब इसके अंदर ये डाल देंगे मेलन सीड्स, थोड़ा नारियल है काटा हुआ और किशमिश है। और इसको बस पकाते रहिए, कॉर्न स्टार्च डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर पकेगी तो खुद से गाढ़ी हो जाएगी। 10 मिनट हो गए हैं चटनी को पकते हुए और ये थिक हो गई है। बस हमें इतना ही थिक करना है इसे। फ्लेम को मैं ऑफ कर रही हूँ और इसे चाउट कर लेंगे। इमली की चटनी बनकर रेडी हो गई है। इसे ठंडा होने पर किसी जार में डाल के रखिए और अपने खानों के साथ यूज़ कीजिए। ट्राई कीजिए मेरी रेसिपीज़ को, मुझे बताइए कि आपको कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो में कोई और रेसिपी होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।